हमारे मसीही विश्वासियों चाहिए यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज माता कलिसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 13 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा, उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमिन। देखो वही बादलों पर आने वाले हैं, सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमिन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 33 से 37 तक से लिया गया है। वचन कहता है, पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है, तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसीलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज माता कलिसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। ख्रिस्त राजा का यह पर्व कलिसिया के पूजन वर्ष को समाप्त करता है और इसी के साथ हमें भी याद दिलाया जाता है कि इस दुनिया में हमारे जीवन चक्र का भी एक दिन अंत होगा। वर्ष का अंत ईश्वर की कलिसिया के सदस्य के रूप में अपने चाल चलन, आचरण का मूल्यांकन और अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है। आज का सुसमाचार बलपूर्वक इंगित करता है कि अपने अनादि अनंत घर में प्रवेश निर्भर करता है कि कहां तक हमने जरूरतमंदों को सांत्वना और मदद देने की कोशिश की।
जब हम दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिस प्रकार ख्रिस्त ने किया, ख्रिस्त के राज्य में स्थान पाने के लिए हम सुनिश्चित होंगे। यह चुनौतीपूर्ण सुसमाचार है जिसका विशेष महत्व है। न्याय के दिन को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है और ख्रिस्त के साथ होना या विरुद्ध होने को सख्त रूप में पेश किया गया है। बीच का कोई रास्ता नहीं है, इस पर हम विचार नहीं कर सकते जब तक अपने जीवन क्षेत्र जहां बदलाहट और सुधार की आवश्यकता है महसूस ना करें। यह बदलाहट और सुधार निर्भर करेगा जब हम पहचान पाएंगे कि कैसे हम ख्रिस्त के अंग बनकर उनके मिशन में सहभागी होते हैं। जब हम लोगों की भलाई और मान मर्यादा के लिए दूसरों के पास पहुंचते हैं, ख्रिस्त हमारे बीच लोगों के लिए प्रकट होते हैं। जो भी अच्छा काम दूसरों के लिए करते हैं हम ख्रिस्त के लिए ही करते हैं। जब हम सेवा कार्य में अपना समय, अपनी शक्ति और प्यार देते हैं, ख्रिस्त हमारे हृदय में, हमारे अगल बगल और दुनिया में राज्य करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के तीनों पाठों में एक विशिष्ट राजा के राजत्व और उसके वैभव को दर्शाया गया है। राजा जनता का प्रतिनिधि एवं स्वामी है। वह अपनी प्रजा पर शासन करता है। उनकी प्रजा उन्हें भगवान स्वरूप मानती एवं पूजती है क्योंकि उनका उद्धार उसी में है। पूरे राज्य का वैभव एवं लोगों का सुरक्षित जीवन उन्हीं पर निर्भर करता है। आज हमारे देश में कोई राजा नहीं है, किंतु उसकी जगह नेताओं ने ले ली है। आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। हम उन्हें समस्त जनता के सामने राजा घोषित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुए कि हम अपना सुख दुख, शान शौकत एवं अपनी स्वतंत्रता अपने राजा यीशु को समर्पित करते हैं। हमारे ख्रिस्त राजा का राजत्व सेवा, प्रेम और दयालुता है। आइए अब हम अपने दिल की गहराइयों में झांक कर अपने कर्मों एवं प्रवृत्तियों को देखें। हम ख्रिस्त के साथ कितने ईमानदार हैं? क्या हम ख्रिस्त के राजत्व का पालन अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं? उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ख्रिस्त राजा किसी दुनिया का राजा नहीं बल्कि दिलों के राजा हैं। जब वे इस दुनिया पर आए तो उन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया। जो परदेशी थे उन्होंने उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाया। बीमारों को चंगा किया, बंदियों को मुक्त किया आदि। इस तरह वे लोगों के दिलों को जीत कर उनके अंतरतम में वापस किए। हम ख्रिस्तीय होने के नाते उनकी शिक्षाओं एवं कार्यों पर अमल करने से केवल हम उनके दिलों में बस जाएंगे बल्कि प्रभु हमारे दिलों में निवास कर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम उस दिल के राजा के गुणों जैसे प्यार, दया, शांति, मेल मिलाप को अपने जीवन में उतारेंगे। अतः आइए हम अपने ख्रिस्त राजा के लिए अपने मन और दिल को तैयार करें जिससे उसका निवास हमारे दिल में हो और वह हमें अनंत शांति प्रदान करे। आमीन।